लगभग सभी विद्यालयों के एग्जाम जो हैं वो पूरे हो चुके हैं, नया एडमिशन चालू है। इसी अंतर्गत जो CBSE बोर्ड के विद्यालय हैं, भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य। नाम बताइए उनके। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड और असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और तेलंगाना, छत्तीसगढ़ एंड बस इतना ही है। आज हम उपस्थित हैं अमरनाथ मेमोरियल लकी पब्लिक स्कूल में। आपको बताएं कि यहाँ डिजिटल तरीके से पढ़ाई होती है, कंप्यूटर के सारे व्यवस्थाएं यहाँ उपलब्ध हैं, बच्चों को डिजिटल बोर्ड भी उपलब्ध है और ऑनलाइन ऑफलाइन, सबसे बड़ी बात कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों की सुविधा है। और आइए जानते हैं जो ये बातें यहाँ के एडवर्टाइजमेंट में लिखवाई गई हैं कि तमाम कंप्यूटर की सुविधाएं, ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस, अनिल सर ट्यूटोरियल करके यूट्यूब चैनल भी है, ये सब बातें कहाँ तक सत्य हैं, क्या सुविधाएं इस विद्यालय में हैं, किस तरह बच्चों को शिक्षा दी जाती है, कैसे उनका उनका केयर किया जाता है, तमाम मुद्दों पर आइए आप बात करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि डिजिटल बोर्ड का यूज़ करके बच्चों को जो भी फंक्शंस होते हैं समझाने के लिए उनका यूज़ करते हैं, एनिमेशन के थ्रू बच्चों को टीच करते हैं और जितना भी फिगर वगैरह होता है वो सब हम वीडियो के थ्रू दिखाते हैं। ऑनलाइन क्लास जो है चलाते हैं ताकि बच्चों को ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन सुविधा उनको मिल सके, घर पर भी उनको किसी ट्यूटर की अतिरिक्त जरूरत न पड़े, इसके लिए हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को जो चीज़ यहाँ पे पढ़ाया जाता है वही चीज़ जो है ऑनलाइन भी उनको क्लास लेते हैं। जी बेटा, क्या नाम है आपका? सालू। किस क्लास में है? टू। कैसी पढ़ाई होती है यहाँ? अच्छी होती है। बाकी और आप लोगों को कंप्यूटर में चलाने का सब मौका मिलता है? यस। क्या नाम है बच्चा? प्रियांशी। किस क्लास में है? सेकंड। कैसा लगता है विद्यालय? अच्छा लगता है। सारी सुविधा मिलती है आपको? यस सर। जी बेटा, क्या नाम है आपका? साची उपाध्याय। किस ढंग की व्यवस्था है, कैसी पढ़ाई होती है यहाँ? बहुत मस्त पढ़ाई होती है। जैसा कि इस यहाँ पर डिजिटल ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास है तो आप लोग दोनों का फायदा ले रहे हैं? हाँ यस सर, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी दोनों का फायदा ले रहे हैं। पढ़ाई जी बेटा, आज सब ड्रेस में है, आप बिना ड्रेस के क्यों आए हैं? आज मेरा सर बर्थडे है। अच्छा, आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे आपको। थैंक यू। कंप्यूटर चलाने को मिलता है आप लोगों को? यस सर, रोज मिलता है। रोज। जी बेटा, किस क्लास में है आप? थर्ड। कैसी लगती है पढ़ाई यहाँ आपको? बहुत अच्छी। यहाँ के टीचर कैसे हैं बेटा? बहुत अच्छे। जी बेटा, स्कूल कैसे आती हैं, किस ढंग से आती हैं आप? हम वहाँ वैन से आते हैं। तो बढ़िया सुविधा है वैन की। यस। आइए अब आपको जोड़ते हैं जो यहाँ के प्रबंधक महोदय हैं अनिल उपाध्याय जी से, और जानते हैं कि जो ये बच्चों को यहाँ पर सुविधाएं दी जा रही हैं यहाँ के जो विद्यालय में, और कौन कौन सी सुविधाएं हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं, किस तरह से ऑनलाइन कोर्स संचालित किए जाते हैं, ऑफलाइन की क्या सुविधा है, तमाम मुद्दों पे जोड़ते हैं यहाँ के प्रबंधक अनिल उपाध्याय जी से। जी सर, जैसा कि अभी बच्चों ने बताया कि जो तमाम सुविधाएं हैं उन लोगों को, ऑनलाइन ऑफलाइन सुविधाएं, अच्छे टीचर द्वारा सारी व्यवस्थाएं मिल रही हैं, क्या कहना चाहेंगे आप अपने विद्यालय के बारे में? इस पर सर प्रकाश डालिए। जी सर, जो भी सुविधाएं हम डिस्प्ले किए हैं और उसमें पूरी कोशिश है और 100% हम देने का प्रयास करते हैं। और जहाँ तक कंप्यूटर लैब की बात है तो आप कैमरे के माध्यम से आप दिखा दीजिए और खुद आप देख रहे हैं कंप्यूटर की जो सुविधा है वो सारा उपलब्ध है यहाँ पर, और सभी बच्चों को समान अवसर दिया जाता है और हमारे टीचर जो है पूरा समर्पित रहते हैं। और जो ऑनलाइन की बात कर रहे हैं तो हम लोग जो है पूरा प्रयास करते हैं कि जो भी बात हम कह रहे हैं ऑनलाइन की तो हमारे टीचर्स और हम खुद जो है मेहनत करते हैं। जैसा कि सर नया सत्र प्रारंभ हो रहा है तो इस नए सत्र के साथ नई सोच क्या है, क्या प्लान है आपकी इस बार? सर, नई सोच बस इतनी है कि सब कुछ नया हो और एजुकेशन में नई जो है सिस्टम अप्लाई करें, नए तरीके का पठन पाठन कराया जाए। और जैसा कि डिजिटल क्रांति चल रही, डिजिटल युग है, तो उसमें हम बच्चों को डिजिटलाइज करना चाहते हैं और जो भी हमारी पढ़ाने की जो सिस्टम है उसको हम पूरा जो है डिजिटलाइज करना चाहते हैं और स्टार्ट भी है। और हमारा बस एक ही उद्देश्य है कि हमारे स्टूडेंट जो हैं वो एक बेस्ट स्टूडेंट बने और भारत देश के लिए एक मजबूत नींव तैयार कर पाए, यही हमारी सोच है और इसी में हम दिन रात जो है सोचते हैं, मेहनत करते हैं और माँ भगवती से ही प्रार्थना करते हैं
कि हमारे बच्चे जो भी यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं वो बेहतर स्टूडेंट बन के यहाँ से निकले। जो आपका बैनर है उस पर हमने देखा जो अलग पांडे जी हैं फिजिक्स वाला, उनके साथ आपका फोटो है और आप उनसे जुड़कर बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, तो किस तरह की सुविधाएं हैं क्या? जी सर, अलग पांडे जी जो फिजिक्स वाला है और इस समय जो है ऑल ओवर इंडिया में उनका जो है बहुत पॉपुलर टीचर हैं, और उनसे हमारी मीटिंग हुई, बात किए और उनसे हमें काफ़ी सपोर्ट मिलता है और मार्गदर्शन मिलता है, और यूट्यूब चलाने में उनका काफ़ी सहयोग है और हमें जो है पूरा सपोर्ट करते हैं। इस विद्यालय को डिजिटल बनाने में जिनकी प्रमुख भूमिका है और जो यहाँ के कंप्यूटर के टीचर भी हैं और मैनेजमेंट भी देखते हैं, विद्याभूषण उपाध्याय गोलू के नाम से जाना जाते हैं, आइए आपको जोड़ते हैं उनसे। जी सर, जैसा कि डिजिटल आपने काफ़ी आपकी भूमिका रही है, आप कंप्यूटर की शिक्षा भी लिए, किस तरह से कंप्यूटर का से जोड़ते हैं सभी बच्चों को, किस तरह सुविधाएं देते हैं? सर, छोटे बच्चे क्या होते हैं कि इन्हें बचपन से इनके सिलेबस जो होता है कंप्यूटर सब्जेक्ट होता है, और इस तरीके से हम लोग कोशिश करते हैं सभी सब्जेक्ट जो भी चीज़ें होती हैं पूरे के पूरे बच्चे को अच्छे से समझ में आए, और इसी से उनको कंप्यूटर से भी जोड़ दिए। ठीक है, और लगभग मैं YouTube पे भी पढ़ाता हूँ, जो भी प्रॉब्लम होती है बच्चों को कोशिश करते हैं कि उन्हें वीडियो के थ्रू उनके गार्जियन के पास एक वीडियो के माध्यम से उनको शिक्षा अवेलेबल कराएं और उनको जो भी उनका डाउट है वो क्लियर हो सके। डिजिटल बोर्ड वगैरह की क्या सर? डिजिटल बोर्ड भी हमारे पास लगभग अवेलेबल है।